क्लास इलेवेंथ के लिए इस नए चैप्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो पहला सवाल जो है वो ये होगा कि ये आखिर फ्लूइड है क्या। तो मैं इसी से मिलता जुलता एक वर्ड लिखूंगा जो कि है फ्लो। फ्लो का मतलब क्या? जो बह रहा हो, जो कि फ्लो कर रहा हो, बह रहा हो। अब देखिए फ्लूइड जो है, फ्लूइड उस तरह के स्टेट को रिप्रेजेंट करता है जो कि फ्लो कर रहा हो। चलिए थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। मैटर जो है नॉर्मली तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। प्लीज यहां पर प्लाज्मा व्लाज्मा का भसड़ न फैलाएं। सो नॉर्मली जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं तो हम तीन स्टेट्स में मैटर को पाते हैं। पहला तो है सॉलिड स्टेट, जैसे कि सॉलिड कहें तो जैसे कि रॉक हो गया, पत्थर, पत्थर एक पत्थर का टुकड़ा मान ले, ये एक सॉलिड स्टेट में है। दूसरा स्टेट जो है ये होता है लिक्विड, लिक्विड जैसे कि पानी, पानी। और तीसरा जो स्टेट है ये होता है गैस स्टेट, सो गैस। तो तीन स्टेट में मैटर जो है हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं ये एग्जिस्ट करता है। अब इनमें से, चलिए ये हो गया गैस, अब इनमें से आप सोचिए कि कौन से स्टेट में मैटर जो है वो फ्लो कर सकता है। क्या गैस फ्लो करता है? मान ले गैस का एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं एयर, फॉर एग्जाम्पल गैस का एग्जाम्पल ले लेते हैं एयर, लिक्विड का एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर, पानी, पानी, और सॉलिड का एग्जाम्पल ले लेते हैं चलिए रॉक, पत्थर। अब देखिए इनमें से गैस क्या ये फ्लो कर सकता है, क्या ये बह सकता है? हवा, क्या हवा बहती है? बिल्कुल हाँ, हवा बहती है। मतलब कि ये जो स्टेट है गैस स्टेट, ये फ्लो कर सकता है। सिमिलरली अगर आप लिक्विड को देखें, फॉर एग्जांपल पानी, क्या पानी बहता है? बिल्कुल बहता है, तो ये भी फ्लो कर सकता है। लेकिन अगर आप सॉलिड को देखें, क्या सॉलिड फ्लो करता है? एक पत्थर का टुकड़ा इस तरह से आप रख दे तो क्या ये फ्लो कर जाएगा? क्या ये फ्लो करके आगे बढ़ जाएगा? नहीं, ये फ्लो नहीं कर सकता है। सो ये जो सॉलिड है, ये जो स्टेट है, ये फ्लो नहीं कर सकता है। तो लिक्विड और गैस फ्लो करता है, इसीलिए इन दोनों को कहा जाता है फ्लूइड्स। जो लिक्विड फ्लूइड है और गैस फ्लूइड है, लेकिन सॉलिड स्टेट में मैटर को हम फ्लूइड नहीं कहेंगे। इस चैप्टर में फ्लूइड के, मतलब लिक्विड और गैसेस के तरह तरह के प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। चलिए उसका थोड़ा सा ग्लिम्स ले लेते हैं, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो चलिए ग्लिम्स ले लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान ले कि एक कार है। नॉर्मली कार का वजन कितना होता है? कार बहुत भारी होता है, मिनिमम मान लेते हैं चलिए 1000 किलोग्राम, एक एवरेज सा वेट है कार का, 1000 किलोग्राम मास का एक कार। सो आप सोचिए कि ये जो कार है लड़ से कि 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, बहुत ही तेजी से ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 100 किलोमीटर पर आवर, और इसका जो वजन है कितना होगा, चलिए ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 1000 किलोग्राम। तो अब सोचिए इसमें कितना ज्यादा मोमेंटम है। लेकिन एक ड्राइवर सिंपली एक ब्रेक पैडल जो है इस गाड़ी का, उसे सिंपली बहुत ही धीरे से पुश करके इस कार को रोक लेता है। आप सोचिए क्या बाहर से आप इस कार को चलते हुए इतने स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलते हुए कार को आप रोक सकते हैं? नहीं। इसका मतलब यहां पर कुछ एक बेहतरीन मैकेनिज्म काम कर रहा है। वैसे मॉडर्न ब्रेक्स जो है वो तो बहुत ज्यादा मॉडिफाइड हो गया, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ गए, लेकिन पहले यहां पर हाइड्रोलिक ब्रेक्स, पूरी तरह से हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज किया जाता था। अब भी हाइड्रोलिक ब्रेक का कॉन्सेप्ट तो है, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें यहां पर ऐड कर दिया गया है। तो ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक, ये किस तरह से काम करता है, इसे समझने के लिए आपको जानना होगा कि पास्कल्स लॉ क्या है। सो इस चैप्टर में हम पास्कल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, पास्कल्स लॉ। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान ले एक जहाज, पानी का जहाज, एक पानी का जहाज
बहुत बहुत भारी है और मोस्टली ये लोहे से बना हुआ होता है। सो ये जो पानी का जहाज है लोहे से बना हुआ, इतना भारी, ये तैर कैसे लेता है पानी में? पानी में लोहे का टुकड़ा, एक कील मान ले लोहे का, उसे अगर आप पानी में डुबो दे तो वो पूरी तरह से डूब जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा क्या होता है कि ये इतना भारी, इतना बड़ा जहाज जो है ये डूबता नहीं है? तो यहां हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल। सो आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल। सो यहां आप समझ पाएंगे आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल से कि एग्जैक्टली यहां पर होता क्या है कि इतना बड़ा जहाज जो है ये डूबता नहीं है। उसी तरह से और भी बहुत सारे चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि मान ले एक हवाई जहाज बहुत भारी होता है। अब ये इतना भारी हवाई जहाज जो है ये हवा में कैसे तैर लेता है? सो जब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल और फिर आगे मैग्नस इफेक्ट, तब जाके हमें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो इसी चैप्टर में हम दो चीजें और पढ़ने वाले हैं और भी बहुत बहुत सारे चीजें पढ़ने वाले हैं। उनमें से है एक है बर्नौलीज थ्योरम और फिर आगे इसी से मिलता जुलता एक इफेक्ट जिसे कि मैग्नस इफेक्ट कहा जाता है, वो हम पढ़ेंगे। जब हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे बर्नौलीज थ्योरम और मैग्नस इफेक्ट, तब जाके हमें समझ में आएगा कि इस तरह का जो फेनोमेनॉन है वो दिखता कि वहां कैसे हवाई जहाज हवा में उड़ लेता है। तो हम पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे, आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ेंगे, मैग्नस इफेक्ट पढ़ेंगे, इस तरह से और भी बहुत बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मान ले कि एक सरफेस टेबल टॉप ही मान ले आपका टेबल टॉप, और सिमिलर एक सरफेस है, बिल्कुल सिमिलर सरफेस है। अब यहां पर आप थोड़ा सा पानी डाल दें यहां पर। सो यहां अगर हम पानी डालेंगे तो पानी बड़े तेजी से यहां पर फैल जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम एक ऑयल डालते हैं, तेल, किसी तरह का तेल डालते हैं, तो वो उतना तेजी से फैल नहीं पाता है। पानी को अगर हम फ्लो करवाएं तो बड़े तेजी से फ्लो कर जाता है, लेकिन ऑयल उतना तेजी से फ्लो नहीं कर पाता है, ये रुक रुक के फ्लो करता है, मानो कि वो थोड़ा गाढ़ा हो। तो इस तरह का इफेक्ट जो है ये हम जाके पढ़ेंगे विस्कोसिटी में। विस्कोसिटी फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी। यहां पर हम जाके ये जानेंगे कि ऐसा इफेक्ट हमें दिखता क्यों है। जब आप मान ले कि बाइक में चढ़े हुए हैं, बाइक में मैं बहुत बुरा ड्रॉ करता हूं, मान ले ये बाइक है, ये बाइक में आप चढ़े हुए हैं और आप बड़े तेजी से मूव कर रहे हैं, तो उस समय आपको ये लगता है कि मानो कि इस तरफ से आप अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो, राइड कर रहे हो, तो आपको पीछे की तरफ हवा जो है ये आपको धकेल रहा होता है। ये भी विस्कोसिटी का ही एक एग्जांपल है। और उसी से आगे चल के हम एक लॉ पढ़ेंगे जिसे कि स्टोक्स लॉ कहा जाता है, स्टोक्स लॉ। वैसे ही एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेनॉन है जो कि हम पढ़ने वाले हैं, जिसे कि कहा जाता है सरफेस टेंशन। देखिए, मान ले कि एक कंटेनर में पानी रखा हुआ है, वहां पर आप ये पाएंगे कि छोटे छोटे कीड़े, मान ले कि चींटी हो गया, मकड़ी हो गई, तो ये जो है पानी में चल लेता है, बड़े आसानी से चल लेता है पानी के ऊपर। और अगर आप गौर से देखें, बहुत गौर से इस जगह को देखें, तो आप यहां पर पाएंगे कि पानी का सरफेस जो है वो इस तरह से डिप करता है। यहां कीड़े का एक पैर, ये हो गया कीड़ा और ये दूसरा पैर, तो जहां जहां वो पैर रखता है उस जगह पे पानी जो है वो डिप कर जाता है और उसका पैर जो है पानी के सरफेस को भेदते हुए अंदर नहीं जाता है। तो ये जो एक एग्जाम्पल है ये सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल है। इसे सरफेस टेंशन जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। सरफेस टेंशन में जाके हम ये सीखेंगे। और ही साथ साथ आप बच्चों को देखते होंगे कि एक छोटा सा इस तरह का
एक टॉय रहता है उसके पास, इस तरह का रिंग रहता है जिसे कि वो साबुन साबुन का पानी है उसमें डुबो के वो फूंक मारता है। तो फूंक मारने से होता यह है कि छोटे छोटे बुलबुला जो है ये साबुन पानी का जो बुलबुला है ऐसे छोटे छोटे बुलबुला निकलता है, ये फूंक मारता है और ऐसे बुलबुला निकलता है। ये भी सरफेस टेंशन है, जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा ऐसा बुलबुला क्यों बनता है। तो इस चैप्टर में हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ना है जिसके बारे में आगे के वीडियोस में हम पढ़ेंगे। और हम जो शुरुआत करेंगे इन सारी चीजों के लिए, जो बेसिक चीज हमें चाहिए होगा सबसे पहले जानना, वो है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, एक फ्लूइड का प्रेशर से हम क्या समझते हैं। जिस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन में दिख जाएगा, वहां क्लिक करके उस वीडियो को आप जरूर से देख लें। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो लिंक होगा, पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।